हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ बेटी किचन स्टार। तो गाइस, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही बढ़िया नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस नाश्ते को आप आराम से एक महीने तक स्टोर करके खा सकते हैं। इतना लजीज और तीखा चटपटा ये नाश्ता है कि हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बहुत सारी लेयर्स के साथ हम इसे बनाएंगे। तो चलिए नाश्ता बनाना शुरू करते हैं, जो कि गेहूँ से आटे से बना है। तो यहाँ पर हमने 2 कप गेहूँ का आटा ले लेना है। आप अपने हिसाब से जितना आपको बनाना है आप उस हिसाब से आटा ले सकते हैं। तो यहाँ पर 2 कप मैंने आटा ले लिया है और इसमें हमें ईस्ट वगैरह डालने की या दही वगैरह, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा ये सब डालने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें हम नमक डाल देंगे। तो स्वाद के अनुसार आप इसमें नमक डाल दें और इसमें हम पानी डालकर इसका डो लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमें जो है एकदम गर्म गर्म पानी डालना है और इसका डो लगाना है। तो पानी को पहले से अच्छे से गर्म कर लें और फिर जो है इस डो को लगाएँ। तो यहाँ पर क्योंकि पानी गर्म है तो हम उंगलियों का इस्तेमाल ना करके चम्मच का इस्तेमाल करेंगे ताकि हाथ जले नहीं। और इस तरीके से देखिए इसको हम मिक्स कर लेंगे और इस तरह से जब ये डो की तरह थोड़ा दिखने लगे तब इसे हमें निकाल लेना है। तो इसमें देखिए काफ़ी अच्छे से ये डो के जैसे कंबाइन होने लगा है। इस तरीके से ज़रूरत के हिसाब से इसमें धीरे धीरे करके पानी ऐड करते हुए इस तरह से इसका मिक्सचर तैयार करें। अब इसे आप कोई स्लैब पर या बोर्ड पर निकाल लें जहाँ पर आपको इसे रोल करना है और इसे मसलना है। तो यहाँ पर निकालने के बाद इसे आप कंबाइन करें हाथों की मदद से। तो ये सारा का सारा जो आटा है उसे कंबाइन करेंगे और इसका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो लगा करके तैयार करेंगे। तो जैसे कि अगर कभी आपने लादी पाव, ब्रेड या ये पिज़्ज़ा का डो लगाया है उसके लिए जैसा हम आटा लेते हैं बिल्कुल चिपचिपा और गीला, बिल्कुल वैसा ही आटा हमें लगा करके तैयार करना है। बट अगर आपने ये सब चीज़ें कभी भी नहीं बनाई हैं तो फिर जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे आपको बिल्कुल चिपचिपा आटा तैयार करना है, अभी आपको वीडियो में दिखाऊँगी कि किस तरीके से ये आटा जो है ये हाथों पर चिपकने लगेगा। तो ये देखिए मसल लिया है इसे और अब ये कुछ इस तरीके से चिपकने लगा है। तो यहाँ पर हम 1 चम्मच इसमें तेल डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसे हम थोड़ा सा पटकते हुए मसल लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो डो है ये थोड़ा सा खिंचने लगेगा इलास्टिक जैसा और ये जो हमारा आटा है वो एकदम चिकना हो जाएगा और हाथों पर नहीं चिपकेगा। तो लगभग 4 से 5 मिनट के लिए आप इसे अच्छे से मसल लें और इसे इस तरह से चिकना कर लें। तो ये हमारा जो आटा है अब आप देख सकते हैं हाथों पे बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, इस तरीके से बन करके तैयार हो गया है। अब ऊपर से हम थोड़ा सा ऑयल और लगा देंगे, इसे चिकना कर देंगे और इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो लगभग 15 मिनट के लिए इसे ढक करके रेस्ट करने के लिए छोड़ दें। तो यहाँ पर जो है जब तक ये रेस्ट कर रहा है हम बना लेते हैं ग्लू। तो ग्लू बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 से 2 चम्मच आटा और साथ में चाहिए लगभग 3 से 4 चम्मच घी। तो यहाँ पर इस तरीके से घी को इस आटे में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये जो हमारा ग्लू है ये हमारा बन करके तैयार हो गया है। यहाँ पर आप चाहें तो घी की जगह क्या कर सकते हैं, हाफ़ घी और हाफ़ ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा लिक्विडी कंसिस्टेंसी का ये हमारा जो मिक्सचर है वो बन करके तैयार हो गया है। इसे रख देते हैं साइड और अब हम अपने आटे को देख लेते हैं। तो आटा जो है वो अच्छे से रेस्ट कर चुका है, अब हाथों से हम इसे अच्छे से मसल लेंगे। तो जब आटा बहुत अच्छे से रेस्ट कर जाता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा चिकना हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं कि आटा का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल चेंज हो गया है, बहुत ही अच्छे से ये चिकना हो चुका है। अब इसे हम रोल करके इसे साइड में रख देंगे और इससे अपना नाश्ता बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर अब हम इससे जो है एक लोई तोड़ लेंगे। तो हाथों पर थोड़ा सा सूखा आटा लगा लें और स्लैब पर भी थोड़ा सा सूखा आटा इस तरीके से लगा दें। अब इस तरीके से जिस तरह से रोटी के लिए हम तोड़ते हैं उतनी ही साइज़ का एक गोला लेंगे। अब इसे हम गोल गोल राउंड करके इसकी लोई बना लेंगे और इसे बेलेंगे। तो यहाँ पर हमें इसे बिल्कुल पतला बेलना है, बहुत ही ज़्यादा पतला। तो जिस तरीके से स्प्रिंग रोल या कबाब पराठे के लिए हम बेलते हैं पतला, कबाब पराठा तो थोड़ा मोटा होता है, थोड़ा सा जैसे स्प्रिंग रोल के लिए हम बेलते हैं बहुत ही पतला, वैसे ही हम इसे बेलेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही आराम से ये बेल जाएगा क्योंकि हमने जो डो है वो बहुत सॉफ्ट लगाया है। इसके अलावा हमें इसके शेप पर कुछ ध्यान नहीं देना है कि ये राउंड होना चाहिए या इसमें सिलवटें पड़ जाती हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको इसे बहुत ही पतला बेलना है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आटा थोड़ा सा भी चिपक रहा है तो आप सूखे आटे का इस्तेमाल करें, इससे आटा चिपकेगा नहीं और ये आराम से बेल जाएगा। तो ये देखिए इसे हमने बेल लिया है, ये बिल्कुल परफेक्ट गोल नहीं है लेकिन हमारा जो काम है वो बन जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल परफेक्ट गोल बनाएं। अब ये जो हमने ग्लू बनाया है इसे हम इस तरीके से इसके ऊपर लगा देंगे।
तो चारों तरफ अच्छे से हम इस ग्लू को लगा देंगे। इससे क्या होगा कि एक तो हमारे जो नाश्ता है उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, आप इसे बहुत ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। दूसरा, हमारा जो नाश्ता है उसमें थोड़ा सा खस्तापन आएगा। इसके अलावा यहाँ पर इसे तीखा और चटपटा मसालेदार बनाने के लिए धनिया डाल दें, साथ में मिर्च को एकदम बारीक काट के डाल दें, बहुत ज़्यादा बारीक काट के डालें, साथ में उसके जो बीजे हैं उसे हटा दें। और इसके अलावा हम इसमें कसूरी मेथी डाल रहे हैं, इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो अगर आपके पास है तो इसको ज़रूर डालिएगा। और साथ में हम इसमें डाल देंगे ये कलौंजी, तो जिसे मगरैल भी बोलते हैं, तो कलौंजी के ये कुछ दाने हैं ये हमने डाल दिए। अब इस तरीके से हम इसे रोल करेंगे, तो रोल करने में ऐसा ध्यान नहीं रखना है कि हमें जो है अंदर इसके एयर नहीं जानी चाहिए या फिर एयर एकदम टाइट इसे रोल करना है, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको सिंपली इसे अच्छे से रोल कर देना है। तो हाथों पे सूखा मैदा लगाते हुए इस तरह से आप इसे रोल कर लेंगे तो बहुत ही इजीली ये रोल हो जाएगा। अब हम इसे देखिए थोड़ा सा खींच करके लंबा कर दिया है मैंने इसे। अब इसके ऊपर हम फिर से अपना ग्लू लगाएंगे और इसकी इस तरीके से पिंडियाँ बना करके तैयार कर लेंगे। तो बाकी की सारी पिंडियाँ हमें बिल्कुल इसी प्रोसेस से बना करके तैयार करनी है। थोड़ा सा ऊपर से और ग्लू लगा दें। तो ये हमने आटा ले लिया, अब इसको बेल लिया बहुत ही पतला, फिर ऊपर से हमने अपना ग्लू लगाया, फिर कसूरी मेथी धनिया मिर्ची डाली और इसके बाद थोड़ी सी कलौंची के दाने डालने के बाद हमने इसे रोल कर लिया और रोल करके हमने इसे थोड़ा खींच के लंबा कर दिया, ऊपर से फिर से ग्लू लगाया और इसकी इस तरह से पिंडी बना दी। तो इसी तरीके से बना करके तैयार करेंगे। इसके बाद हम इसे बेलेंगे, तो बहुत ही आराम से हम इसके ऊपर थोड़ा सूखा आटा डस्ट करते हुए इसे बेलेंगे। तो इस तरीके से हमें इसे थोड़ा सा थिक रखना है और इसे जो है बेल करके तैयार करेंगे। तो ये देखिए रोटी से साइज़ थोड़ा सा मैंने छोटा रखा है और पूरी से बड़ा रखा है, और ये जो हमारा नाश्ता है वो बन करके मसालेदार तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम बाकी के सारे नाश्ते बना करके तैयार करेंगे और इसे साइड में रख देंगे या फिर आप इसे तुरंत सेक भी सकते हैं। तो इस तरीके से सूखा आटा डस्ट करते हुए इसे बेल लें और बहुत सारी लेयर वाला हमारा जो नाश्ता है वो बस बनने वाला ही है। तो इस नाश्ते को आप चाय के साथ खाएं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके अलावा इसमें चटनी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये वैसे भी तीखा चटपटा नाश्ता है, तो आप इसे सूखा भी खा सकते हो। अब यहाँ पर हमने एक तवा ले लिया है, इस तवे के ऊपर हम डाल देंगे अपना नाश्ता। तो गैस की फ्लेम को आप मीडियम टू हाई रख सकते हो, वैसे मीडियम फ्लेम पर आप इसे सेकेंगे तो बहुत ही अच्छी इसकी लेयर आएंगी, और जैसे ही ये नीचे से हल्का सा सिकने लगे इसे पलट दें। अब इसके ऊपर आप घी या तेल कुछ भी लगा सकते हैं, तो इस तरीके से घी या तेल मैंने लगा दिया है। और अब हम इसे क्या करेंगे, दबा दबा कर मीडियम आंच पर अच्छे से सेक लेंगे। तो इस तरफ भी हम दोनों तरफ घी या तेल लगा देंगे। और अब जो है हम इसे अच्छे से कुछ इस तरीके से प्रेस करते हुए सेकेंगे जिससे ये चारों तरफ से अच्छे से सिक जाएगा। तो जब तक कि इसका बहुत ही अच्छा गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता हम इसे अच्छे से सेक लेंगे। और अब आप देख सकते हैं हमारा जो नाश्ता है वो परफेक्ट जो है वो सिकने ही वाला है। तो इसी तरीके से हम बाकी के सारे नाश्ते भी सेक करके तैयार करेंगे। और ये देखिए बहुत ही अच्छा हमारा जो नाश्ता है वो बन करके तैयार हुआ है, जो कि बहुत ही कम तेल में बना है और काफ़ी क्रिस्पी है ये नाश्ता। बाकी के सारे हमें इसी तरीके से सेकने हैं, तो मीडियम आंच पे आप इसे सेकेंगे तो थोड़ा काम भी जल्दी हो जाएगा और बहुत ही अच्छे हमारा जो नाश्ता है वो सेक करके तैयार होगा। तो इस तरीके से घी तेल लगाते हुए इसे सेकते जाएं, और अब आप इसे आराम से स्टोर करके भी रख सकते हैं। चाहे तो आप इसे मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसे हेल्दी बनाने के लिए गेहूँ के आटे से बनाया हुआ है, तब आप इसे बहुत ज़्यादा खा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने बिल्कुल अच्छे से दबा दबा के सेक लेना है, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा है, तो अच्छे से दबाते हुए इसे सेकें। तो ये देखिए बहुत ही अनगिनत परतें बन गई हैं इसके अंदर, और ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। चाहे तो आप इसे कोई ग्रेवी वाली सब्जी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप फ्राई तड़का दाल होती है उसके साथ भी खा सकते हैं। तो ये देखिए हमारा बहुत ही बढ़िया चाय से खाने वाला नाश्ता, या फिर कहने सफ़र में ले जाने वाला नाश्ता बन करके तैयार है। उम्मीद है आज की रेसिपी आप सभी को बेहद पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो देखिए कितनी ज़्यादा परतें बनी हैं।
मिलते हैं इसी तरीके की और नई वीडियोस के साथ।